पिछले 4 सालों से लगातार इंडियन क्रिकेट फैंस अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते हैं और आज इस वीडियो में मैं सारी डिटेल के साथ मौजूद हूं और आज वीडियो में बताऊंगा कि क्या अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2020 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो फाइनल वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। या कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2020 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस खबर की पुष्टि के लिए हमें 2-4-5 महीने पहले का सारा सिनेरियो देखना पड़ेगा। पिछले साल की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले साल मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि सचिन तेंदुलकर ने खुद मना कर दिया है, वो नहीं चाहते हैं अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में आकर खेले। इसके कई सारे रीजंस भी थे। पिछले साल सचिन ने अर्जुन को खेलने से इसलिए मना किया था क्योंकि नंबर 1, अगर अर्जुन आईपीएल में आकर खेलते कहीं फ्लॉप हो जाते तो ब्रांड नुकसान होता, और ब्रांड नुकसान होता तो एट द एंड अर्जुन तेंदुलकर के करियर को नुकसान हो सकता था। आईपीएल में ऐसा हुआ है। दूसरा बड़ा कारण था पिछले साल कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ जो तेंदुलकर शब्द लगाना है वो बहुत बड़ा ब्रांड है। वो जिस भी टीम में जाकर खेलेंगे ना, उस टीम के साथ कई बड़े बड़े ब्रांड्स, कई बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स जाकर प्रमोशंस करेंगे। जाहिर है कौन नहीं देखना चाहेगा अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप आएगी टीमें और बीसीसीआई उतना ज्यादा पैसा बनाएगी। तो ऑन एंड ऑन सचिन नहीं चाहते थे कि अभी वो इतने खतरनाक और इतने ब्रॉडर मनी पर्सपेक्टिव के एनवायरमेंट में अर्जुन तेंदुलकर को डालें, क्योंकि अर्जुन अगर एक बार आईपीएल में आ गए, अगर नहीं चले तो पूरी साख को बट्टा लगेगा एक साथ, ब्रांड वैल्यू को एक साथ बट्टा लगेगा। गावस्कर के साथ ऐसा हो चुका है, उनके लड़के के साथ जब रोहन गावस्कर फ्लॉप हुए थे तो सचिन ये भी नहीं चाहते थे। तो ये 2 बड़ी चीजें थी, सबसे पहला ब्रांड को झटका, दूसरा प्लेयर को, बेटे को खराब ना हो, अभी छोटा है अभी चलने दो, तो वो वाला जो माइंडसेट है ना उसके लिए पिछले साल उन्होंने नहीं किया था। अब देख लेते हैं क्या इस बार करेंगे, क्या इस बार भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो अब सचिन 1 स्टेप आगे आए हैं, उन्होंने अर्जुन को टी ट्वेंटी मुंबई लीग खेलने की इजाजत दे दी है। हमें पता है कि अभी थोड़ी ही दिन पहले टी20 मुंबई लीग में अर्जुन तेंदुलकर खेले थे और इवन उनका परफॉर्मेंस अबव एवरेज था, अच्छा खासा परफॉर्मेंस अर्जुन तेंदुलकर ने दिया था। ये सारी बातें बताती है कि अब उस तरह के एनवायरमेंट में सचिन अर्जुन को डालना चाहते हैं जहां पर लाखों लोग एक साथ उन्हें देख रहे होंगे, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहां पर दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब सचिन वो सारी चीजों को भूलकर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे, अगर मुंबई टी20 लीग में खेल चुके हैं तो आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा भी हो सकते हैं। आधिकारिक रूप से अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये हमारी जो हम इस तरह की गैसिंग और जो मैंने आपको बताई है, इस तरह से अगर हम सोचते हुए चलेंगे ना तो मेरे हिसाब से तो अर्जुन तेंदुलकर खेल सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है अर्जुन तेंदुलकर ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, 70% चांसेस है। इसके ऊपर रिपोर्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जितनी रिपोर्ट गैदर आउट करनी थी वो मैंने आपको गैदर कर बता दी है, इससे आगे किसी के पास रिपोर्ट नहीं है। तो अभी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अर्जुन तेंदुलकर मेरे हिसाब से ऑक्शन में नाम दे सकते हैं। अगर ऑक्शन में नाम गया तो कौन सी टीम खरीदेगी, बड़ा सवाल है। तो पहली टीम जो इन पर 125% बिडिंग लगाएगी वो मुंबई इंडियंस की टीम होगी, क्योंकि सचिन की लॉयल्टी है मुंबई इंडियंस के साथ। तो ऑन एंड ऑन एक टीम तो कंफर्म है जो अर्जुन को खरीदेगी और अच्छे खासे पैसे भी देगी, उसके अलावा आरसीबी की टीमें भी है, दूसरी टीमें भी है जो भी इन पर जरूर पैसा बरसाएंगी। तो भाई मेरे हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर 70% खेलने वाले। इस पर नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी तो आपको जल्दी बताऊंगा। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।